हेलो एवरीवन, काव्या एंड मम्मा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को राधे राधे। तो अभी खाने जा रहे हैं खाना, और आज खाने में बनाया है बैंगन का भरता, दाल, अरहर की, दही, और साथ में है सैलेड और रोटियां। तो बस हमारी खाने की थाली जो है तैयार है एकदम। तो आ जाइए अभी। और ये मराठी स्टाइल बैंगन का भरता है, तो बच्चे खाएंगे यहाँ पर। और बच्चे आजकल जल्दी आ ही रहे हैं एग्ज़ाम की वजह से, आप सबको पता है। तो अभी लगभग 12 बज रहे हैं, 12 भी पूरे नहीं बजे हैं। तो यहाँ पर खाना वाना खाने के बाद, बर्तन वर्तन धुलने के बाद, सब काम ख़त्म करने के बाद, मैं बना रही हूँ यहाँ पर थोड़ा सा नमकीन, मतलब टी स्नैक्स, चाय के साथ खाने का थोड़ा सा नाश्ता, क्योंकि बच्चे मेरे बोल रहे थे। वैसे तो दिवाली पे ये बनता है, लेकिन मैंने पहले ही बना लिया क्योंकि बच्चे कह रहे हैं, तो फिर बनाना तो है ही। तो मैं नमक पारे बना रही हूँ यहाँ पर, नमकीन वाले, नमक पारे को नमकीन ही बोलेंगे, ठीक है। तो मैं वो बना रही हूँ, वो देखिए भुन रहे हैं। और आज ना मेरी किटी है, तो इसलिए थोड़ा सा सब काम मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। और ये काम भी बीच में घुस गया, तो इसको भी करना ही करना है, क्योंकि ना मेरा सिवाय भी बोल रहा था, और उसको बहुत पसंद है कि बच्चों को थोड़ा बहुत कभी कभी दे दो, बिस्किट विस्किट नहीं है या कुछ नहीं है, तो ये चाय के टाइम पर बहुत ज़्यादा ये नाश्ता जो है काम आता है। तो इसीलिए मैं बना ले रही थी कि कभी कहीं अगर बिजी हो या कुछ नहीं नाश्ता बना पाए सुबह में या शाम में, तो बच्चे क्या है चाय के साथ, या फिर जैसे बच्चों को वैसे ही थोड़े बहुत दे दो तो खा लेते हैं। और आज ना मैं सुबह में मैंने घर के जितने फ्लावर पॉट के फूल वगैरह थे वो सब धुले थे, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा डस्ट हो रही थी। और क्या है, नवरात्रि है तो साफ़ सफाई तो बनती है, तो वो सारे जो है सूख गए थे 12 बजे तक, क्योंकि 8 बजे धुले गए थे तो 12 बजे तक, तो 1 बजे तक सूख ही गए थे। तो ये सब करने के बाद फिर आज मुझे जाना है किटी में, तो मैं चलती हूँ, उसके लिए रेडी हो जाती हूँ। 3:30 पे मुझे निकलना है। तो यहाँ पर मैं ना शिवाय को भी लेकर के जाऊँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड घर पर है नहीं, और काव्या रोही को जाना है ट्यूशन मेरी बेटियों को, तो फिर इन्हें कौन रखेगा, इसलिए इसको भी मुझे साथ में ही लेकर के जाना पड़ेगा। और अभी वही 3 बजे के लगभग का टाइम हो रहा है, तो मैं तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि क्या है ना, बच्चे के साथ थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेकर के चलना पड़ता है। और इसको मैं बार बार तैयार कर रही थी, बार बार ये बाल वाल से बिगाड़ के घूम के आ जा रहा था। तो मैं इससे प्रॉमिस ले रही थी कि अब तो नहीं करोगे, अब तो नहीं करोगे, और वहाँ जाओगे तो शैतानी बच्चे ना किसी के घर जाते हैं तो एकदम मान के चलिए बेइज्जती करा देते हैं। तो वही हाल है। तो देखिए, पिटाई लगने के बाद फिर से डांस करने लगा, तो इसको कहते हैं बचपना, बच्चा बुद्धि, कोई नहीं जानता कब क्या करे। तो फिलहाल तो मैं तैयार हो जा रही हूँ, आप ब्लॉग में बने रहिए, और आज आपको किटी पार्टी ब्लॉग इंजॉय करने को मिलेगा। आप प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिए, ताकि आप कुछ मिस ना कर दें, आपको ज़रूर अच्छा लगे हमारा ब्लॉग। तो देखिए देखिए आगे क्या क्या होता है। अभी बहुत ज़्यादा आज मज़ा आई थी, हम लोगों ने कुछ अच्छे मज़ेदार गेम भी खेले, डांस भी हुआ, बहुत इंजॉय किया। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, तो लाइक भी करें चैनल को, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर भी करें। तो ये मैं झुमके आपको दिखा रही थी ना, मैं ये भी मतलब अभी जल्दी में ही लेकर के आई थी, लेकिन क्या है, पितर पक्ष वगैरह चल रहे थे, तो कुछ नया पहना नहीं जाता, इसलिए मैंने नहीं पहना। जब ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई तो मैंने पहने, और ये पता है देखने में बहुत ज़्यादा भारी लग रहे हैं, लेकिन एकदम लाइट वेट हैं, बहुत अच्छे मेरे को मतलब लगे, कि सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कानों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक तो मेरी बेटी बोल रही थी मम्मी नहीं अच्छे लग रहे हैं, एक बोल रही थी अच्छे लग रहे हैं, आप पहनी रहो। तो आप लोग कैसा बताइएगा कि कैसे अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, प्लीज़ ज़रूर कॉमेंट करके बताइएगा, ठीक है। एवरीवन, काव्या एंड मम्मा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। तो आप सभी को राधे राधे। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 3:15 हो रहा है, और 3:30 की मेरी किटी है। तो बस शिवाय को भी आज ले जाना पड़ रहा है, क्योंकि क्या है ना, काव्या रोई जाएंगी 6 बजे ट्यूशन, और 6 बजे तक क्या फ्री कभी हो पाते कभी फ्री नहीं हो पाते, इसलिए ले जाना जरूरी है, क्योंकि फिर ये अकेले कैसे रहेगा, रह तो नहीं सकता ना, छोटा है अभी। तो इसलिए आज जा रहे हैं शिवाय भी साथ में, और बाकी सब काम तो खत्म ही हो चुके हैं जो भी शाम का होगा। और आज ना बहुत जरूरी जरूरी काम किए मैंने, 2-4 बहुत जरूरी, वो आपको पता चलेगा अभी, ठीक है। तो बस चलते हैं फिर लेट ना करते हुए। और मैं सोच रही बिंदी चेंज कर लूँ, कि चिपक रही है थोड़ी, अजीब सी हो रही है ना, मैंने ना पहले ध्यान नहीं दिया, मुझे पहले ही चेंज करना चाहिए था। और अब की बार में हमारी जो किटी है थोड़ा सा जल्दी हो रही है, क्योंकि क्या नवरात्रि के सबके व्रत चल जाएंगे, तो इस वजह से ही व्रत में फिर कैसे हो पाएगी, इसलिए।
तो थोड़ा सा जल्दी, अभी आपको पता ही है कि आज 25 ही तो हुई है, अभी 25 ही हुई है। अभी देखिए 25 सितंबर ही हुआ, वैसे 5-6 तारीख तक चलती थी, लेकिन अभी 25 को ही अब की बार हो जा रही है। और ये मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है मुझे जरूर बताइएगा। तो इसमें ना इस तरह का हो रहा है देखिए, है ना, और यहाँ पर थोड़ा सा। तो वाइट चुन्नी ना मेरे पास पहले से ही थी और ये तो न्यू है। और कैसी लग रही है जरूर बताइएगा कमेंट में, ठीक है, चलते हैं। तो यहाँ पर जो है गेम स्टार्ट हो चुका है, और गेम है, मैं आपको बता देती हूँ कि इस बड़ी प्लेट में जो है बहुत सारी तीलियाँ रखी हैं माचिस की, जिनको दो तीलियों से एक एक तीली को उठाना है और इस दूसरे प्लेट में रखना है। तो आप देख सकते हैं भाभी ने कितनी सारी तीली रख ली है फिलहाल, तो और देखते हैं कि विनर कौन होता है। एक एक बार सबकी बारी आएगी, लेकिन मैं आपको बता दूं, एक ही भाभी जो रेड ड्रेस में आपको दिख रही हैं वही विनर हुई थी, उन्होंने ही सबसे ज़्यादा तीलियाँ उठाई थी। तो किसी ने 9-7, किसी ने 9, किसी ने 12, ऐसे करके सब लोग, मैं भी हार गई, मैं तो जीत नहीं पाई। तो ये भाभी ने पूरी 15 तीलियाँ उठाई, तो ये विनर बन गई थी। तो देख सकते हैं आप लोग, हमारा गेम जो है बड़ी ज़ोरों ज़ोरों से चल रहा है, बहुत ही धड़कने जो है बढ़ती जा रही हैं जैसे जैसे सब लोग उठाते जा रहे हैं उस तरीके से। तो प्लीज़ फुल वॉच करिए वीडियो को और मिस मत करिए। अब आ गई है हमारी बारी, तो देख सकते हैं मैं भी उठा रही हूँ, और मैं ना 12 तीली उठा पाई थी, उससे ज़्यादा तो नहीं उठा पाई। उसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है ये भाभी का, तो सभी लोग इस तरह से अपना अपने नंबर पे उठा रहे थे। बहुत ही ज़्यादा गेम को हम लोगों ने इन्जॉय किया, बहुत ज़्यादा मज़े आए हम लोगों को। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे एक इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।